वेलकम फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट 4 में आज हम सीखेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर टूल के बारे में। आइए दोस्तों, शॉर्ट फंक्शन को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मार्कशीट दी हुई है। इस मार्कशीट पे हम इस फंक्शन को अप्लाई करके आपको शो करेंगे क्या इसका फंक्शन किस टाइप में आपको किस यूज में आ सकता है। तो सबसे पहले जिस सेल या जिस कॉलम संबंधित है उसे आपको शॉर्ट करना है। पहले उसे सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ये कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ नेम का, क्योंकि मुझे ये अल्फाबेटिकल सीरियल में चाहिए ए बी सी डी वाइज। तो यहाँ कई सारे नाम हैं तो मैं इन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेटा कॉलम में जाके डेटा मेनू में जाकर यहाँ पर ए टू जेड आपको दिख रहा होगा लोएस्ट टू हाइएस्ट और जेड टू ए हाइएस्ट टू लोएस्ट। ए टू जेड में आपका सीरियल वाइज अल्फाबेटिकल क्रम में ये अपने आप सेटअप हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, ये व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन करने पर ये सभी रॉ को उसी हिसाब से सेट करेगा और कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन मतलब कि आपका जो सेल्स है जिनको आपने सेलेक्ट किया है केवल वही क्रमांक चेंज होंगे, बाकी के सेम एज जैसे हैं अपने स्थान पर वैसे बने रहेंगे। तो एक्सपेंड द सिलेक्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे जिस सेल का जो नंबर है उसी सेल में उसी कॉलम में और उसी रो में चाहिए। यहाँ से मैं शॉर्ट करता हूँ। अभी आप देखिए ए वाला सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद बी सी एच, ये आपका न्यूमेरिकल नहीं ये अल्फाबेटिकल क्रम में ये आ गया। आपने क्योंकि ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट किया था इसलिए ये आपका हेडर भी साथ में उसी क्रम में अल्फाबेटिकल रो में आया है। ये तो आपका हो गया अल्फाबेटिकल रो में ए टू जेड। अब कंट्रोल जेड करके बैक करते हैं, वैसे ही हम जेड टू ए करके देखते हैं। सेलेक्ट किया और यहाँ से जेड टू ए शॉर्ट, शॉर्ट करते ही एक्सपेंड द सिलेक्शन क्लिक किया और शॉर्ट कर दिया। अब देखिए जो सबसे क्रमांक में अल्फाबेटिकल रो में सबसे नीचे आता है एस आर एच सी, उस हिसाब से सेटअप आपका हो गया। ये दो एग्जांपल शॉर्ट के हैं जिसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग भी कह सकते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट एंड लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो कभी भी आप अल्फाबेटिकल रूप में भी इसको सेटअप कर सकते हैं। दूसरा, इसे सीरियल वाइज यानी कि संख्या जो बड़ी है उससे लेकर छोटी तक और छोटी से बड़ी संख्या में भी इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इन नंबर्स में जिस नंबर में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स आए हैं वो पहले आए उसके बाद दूसरे आए, तो मैं यहाँ से सेल रेंज सेलेक्ट करता हूँ और शॉर्ट करता हूँ ए टू जेड और एक्सपेंड द सिलेक्शन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटा सबसे पहले आया नंबर, उसके बाद उससे बड़ा और उसके धीरे धीरे आपके क्रमांक में बढ़ते गए। यहाँ ए टू जेड में उल्टा होता है कि छोटी संख्या पहले आती है और फिर बड़ी संख्या आती जाती है उसके बाद। सेम एज जैसा मैंने बताया कि वो एसेंडिंग क्रम में था यानी बढ़ते क्रम में, और ये डिसेंडिंग क्रम में, पहले सबसे बड़ी संख्या और उसके बाद उसकी छोटी छोटी बढ़ती घटते क्रम में ये आ जाए। वैसे ही आपके नाम भी चेंज हो गए, जिसका जो नाम था उसके सामने ही वो नाम आया। तो ये शॉर्ट फंक्शन का यूज़ है जिसके द्वारा हम किसी भी सेल कॉलम या सेल रेंज को सीरियल वाइज अल्फाबेटिकल क्रम में या सीरियल वाइज न्यूमेरिकल क्रम में इसे हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ ग्रेडिंग वाइज आपको चाहिए, जैसे सबसे पहले मतलब ए एक साथ हो, ए प्लस एक साथ हो, बी हो, सी हो, फिर क्रमांक पे आए। यहाँ से ए टू जेड कर एक्सपेंड द सिलेक्शन करता हूँ, आप देखेंगे ए ए प्लस प्लस बी सी आया। यहाँ ए प्लस का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ए प्लस बाद में आया, इसलिए ए को पहले लिया गया, फिर ए प्लस प्लस और फिर बी और सी, ये क्रमानुसार आपका फॉर्मेट सेट। तो दोस्तों, इस शॉर्ट का इस्तेमाल करके हम अपने एक्सेल के किसी भी फाइल को शॉर्ट कर सकते हैं अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। दोस्तों, आपके व्यूज़ हमें और अधिक अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
दोस्तों कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन लेवल ऐसे ही बढ़ाते रहें।